एवरीवन, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं हर स्टेट का स्ट्रेटेजी पे, तो नेक्स्ट स्टेट है हमारी केरला। बहुत ही अच्छी स्टेट है अभी, लेकिन थोड़ा आपदा से, डिजास्टर से उभरी है, लेकिन बहुत अच्छी स्टेट है। देखेंगे किस महीने में मैं ऐसा कह रहा हूँ। जैसे कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, कैपिटल जो इसकी है वो है थिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन और गवर्नर जो है पी सत्थाशिवम। फॉर्मेशन इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ था। टोटल एरिया इज 38,863, जिसकी रैंक है 22nd। हम अभी 21st रैंक का भी पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन के नाम पे 33,387,677 है, जो कि अगर आपको याद हो लगभग लगभग नियरेस्ट टू जो नेक्स्ट सेकंड स्टेट पड़ी थी पंजाब। और इसका 13th नंबर पे डेंसिटी एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब अभी तक हम 573 से ऊपर भी उठे थे, पर नीचे चले गए थे 53 तक चले गए थे नीचे। डेंसिटी 860 पर किलोमीटर स्क्वायर। देखो कितना डेंस है ये। डिजास्टर के बाद भी अभी अब आप जाके देखेंगे, यू विल नॉट फील द डिजास्टर हुआ था, और बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था अभी। अगर आप अभी भी आप केरल में जाकर देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी डेंस डेंसिटी, दैट इज 860 पर किलोमीटर स्क्वायर। लिटरेसी रेट इज ऑल्सो गुड, very literate people, as I told you, south में तो हर चीज बहुत अच्छी है, literacy rate सब अच्छा है, 94%। और sex ratio तो exceptional चला गया, इस बार 1084 females per 1000 male, females बढ़ गए males के तुलना में, 1084, see, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, मतलब एक general trend देखने को, कि literacy rate और sex ratio का फर्क पड़ता है ना? तो ये आप समझ पा रहे हैं सोशियोलॉजी भी, सोशली भी आप समझ पा रहे हैं इस बात को। फिर अगर देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 144 सीट पाई केरला ने, लोअर हाउस में 20 और अपर हाउस में 9 सीट्स के बराबर है। डिस्ट्रिक्ट कम है बिल्कुल, 14 डिस्ट्रिक्ट है मात्र इसमें, 1440 ही डिस्ट्रिक्ट है। हाईकोर्ट है जो कि केरला हाईकोर्ट है, जिसके अभी जज है ऋषिकेश रॉय। और लैंग्वेज मान लें मलयालम दे यूज टू स्पीक और इंग्लिश, English they used to connect. In Karnataka also many people use English as a language. ठीक है, क्योंकि literacy rate अच्छा है भाई, ऐसे सोचो ना आप कि literacy rate अच्छा है तो they used to speak English. क्या बात समझ में आती है हमें? चलिए